हाय फ्रेंड, मैं हूं मानिक मंडल। मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड फोन का टेक्नीशियन हूं। तो फ्रेंड, मेरे पास एक फोन आया है आज रिपेयरिंग के लिए। ये लेनेवो K6 नोट है, आपको दिखाता हूं इसको जो पार्ट नंबर है। थोड़ा अवॉर्ड है, ये देखिए लेनेवो K53A48। ये जो है मॉडल नंबर है, पार्ट नंबर इसको लिख के सारे देने के बाद ही मॉडल नंबर बता दिया जाएगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम है फोन में, देखिए हम यूट्यूब चलाता हूँ, थोड़ा स्लो काम कर रहे देखिए। हम पूरा साउंड पूल है लेकिन फिर भी कोई साउंड नहीं आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं वो आप आज लोगों को दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइम फोन को डिसअसेंबल करूंगा, इसलिए फोन को पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो फोन ऑफ करने के बाद देखना है उसको, बाद में सिम ट्रे को जरूर निकालना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, उसको बाद ही। कभी कभी कोई सेट में होता है हेड दे के पीछे खुलता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है। सिम ट्रे निकाल दिया, उसको बाद में इस साइड से आपको ओपनर से देखिए करें, ये आराम से ओपन हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। उसके बाद में थोड़ा देखिए फोन मेरा ओपन हो गया। तो आज इसको साथ में है, तो इसको हम स्क्रू को ओपन करता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ सप्लाई आता है ना, क्या स्पीकर टूटा है वो देखना है। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको इस पर कॉलर करके ये देखिए ओपन कर दें। ओहो, बहुत डस्ट लग रही है मुझे। तो इसको स्पीकर ठीक है ना नहीं ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर को भी रेंज सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में चेक करता, देखिए स्पीकर ठीक नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो है एकदम फिक्स्ड है, देखिए पूरा है, लेकिन एक साइड से आपको ओपन करना पड़ेगा। हम देखिए इधर से हम इसको निकाल दिया, स्पीकर को देखिए, ये है उसको स्पीकर है, ये वाला है। तो इसको हम चेक करता हूँ ये ठीक है ना नहीं है। एक बार तो देखा है कंटिन्यू नहीं दिया, मैं सोचा था कोई लाइन में प्रॉब्लम आ सकता है क्या है। तो देखिए ये कोई बीप नहीं दे रहे हैं, मल्टीमीटर है देखिए। और हम मेरे पास ये है नया, है नया ले लिया। तो देखिए इसमें कंटिन्यू आ रही है, और देखिए ये ओके है। तो इसको हम फिट सेटिंग करना पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसे पूरा ये ओपन नहीं होगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसको इस साइड इधर में है, तो इसमें रिलैक्स से अंदर में लगाने के बाद
ठीक से बैठेगा, उसको बाद ही आपको आपको ट्वीजर लेना पड़ेगा, ट्वीजर से ठीक से बैठाना पड़ेगा। पहले इसको जो है ट्रैक है उसमें बैठाने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा प्रेशर करना पड़ेगा, मतलब ठीक से बैठाना पड़ेगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। देखिए ये बैठ गए, तो अभी इसको देखता हूँ जो ठीक से बैठाना नहीं बैठा है। देखिए अभी कंटिन्यू दे रही है। तो कुछ कुछ टेक्नीशियन ऐसे होता है, ऐसे प्रॉब्लम आएगा, ऐसे बोर्ड मिलेगा तो वो इसको पूरा ही चेंज करता है, लेकिन इसको फुल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली स्पीकर अंदर से निकल के चेंज करने के बाद ही हो जाएगा। तो अभी बोर्ड में लगा के एक बार चेक करता हूँ क्या मेरा सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए देखिए हम दो स्क्रू लगाता हूँ, थोड़ा स्क्रू लगा के देखता हूँ चेक करके। कभी ऐसा हो सकता है जे इस बिना स्क्रू में लगा तो कनेक्शन थोड़ा लूज होगा तो नहीं काम करेगा, इसलिए आपको स्क्रू लगा के ही आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए तो पहले फोन को ऑन करता हूँ। देखिए फोन मेरा ऑन हो गया, ये लेने वो फोन है, थोड़ा ऑन होने के लिए थोड़ी टाइम लगता है। तो फ्रेंड हम इसलिए स्पीकर को वीडियो बनाया था, कभी हम लोगों के पास ऐसे स्पीकर अभी के टाइम पे ज्यादा आता है, इसलिए जो टेक्नीशियन है कभी कभी ऐसे गलत करता है, पूरा इसको चेंज कर देता है, लेकिन इसको फुल चेंज करना कोई जरूरत नहीं, ओनली स्पीकर चेंज कर देगा तो हो जाएगा। सॉरी रॉन्ग पासवर्ड है, ये है मेरा, थोड़ी टाइम लगेगा आने के लिए। तो फ्रेंड देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड देखिए मेरा फोन ऑन हो गया, तो अभी देखना है जो साउंड का प्रॉब्लम था, हम जाता हूँ यूट्यूब में उसको बाद में देखता हूँ जो साउंड। तो फ्रेंड देखिए, तो देखिए फ्रेंड मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो गया। देखिए अभी देखिए तो हम कोई गाना सुनते नहीं। देखिए को सुनाता हूँ थोड़ा उसमें। तो फ्रेंड जो प्रॉब्लम है मेरा वो सोल्यूशन हो गया है।
और मेरे वीडियो अच्छे लगेगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। जय हिंद।